देखिए उत्तर प्रदेश के कुछ दबंगों की दादागिरी, कैसे कुछ लोग मिलकर एक बुजुर्ग महिला को धक्के मार रहे हैं और कैसे गरीब के घर के छत को तोड़ रहे हैं। क्या योगीराज भी गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है या सब ने अपनी आत्मा बेच दी है। आप भी देखिए कैसे ये बुजुर्ग महिला उनके सामने गिड़गिड़ा रही है कि मेरे घर का छत ना तोड़ो, कुछ है नहीं। फिर भी इन जालिमों का मन नहीं पसीचा और घर के अंदर बाहर सभी चीजों का नुकसान करते ये मान नहीं रहे हैं और सब कुछ वहां तहस नहस कर दिया। बुजुर्ग महिला को तमाचे और धक्के मारते रहे। घटना उत्तर प्रदेश ग्राम समोगरा थाना पट्टी जिला प्रतापगढ़ की है। इस घटना को धर्मेश सिंह और उसके साथियों ने रामकृपाल विश्वकर्मा के घर में की है। लग जाए हे इस बात पर URBSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा ने बात की, तो सुनिए उस पर अधिकारियों का जवाब किस तरह से रहा है। हेलो, हाँ SP साहब, आकाश कुमार साहब बात हो रही जी। आप कौन? मेरा नाम विजय कुमार शर्मा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी का, RUBSP का। हाँ। आपके यहाँ आपके जिले में ग्राम समोगरा पड़ता थाना पट्टी में धर्मेंद्र सिंह और राम कृपाल का, इसमें कार्रवाई किया आपने? इसमें कार्रवाई किया आपने? हाँ हाँ कार्रवाई हुई। क्या क्या धाराएं लगाई? एक नंबर नोट करिए आप, किसका है? हाँ, इस पर बात कर लिए, धारा मालूम हो जाएगी। किसका नंबर है ये? SHO का नंबर है। हेलो हेलो, हाँ SHO पट्टी से बात हो रही? हाँ हो रही। सर मेरी बात आकाश तोमर जी से हुई है। हाँ। उन्होंने नंबर आपका दिया है। इस ग्राम समोगरा वाले में कौन सा धारा लगाए? बादी मुकदमा से नहीं पूछ पा रहे हैं आप? हाँ? बादी मुकदमा से नहीं पूछ पाए। 147 148 149 नोट करिए। 323 507 506 406 27 452। अच्छा, ये सारी धाराएं लगी है ना? चलिए ठीक। अभी कंफ्यूजन है क्या कोई? नहीं, अब आप बता दियो तो काहे कंफ्यूजन रहेगा भाई, जब आपने बताया है, आप अधिकारी हो वहाँ से बता। अब देखना पुलिस पीड़ित परिवार को कैसे न्याय दिलाती है या ऐसे ही घुमा घुमा कर भेज देती है। सब्सक्राइब करें आवाज नेशनल न्यूज और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले।